दरभंगा समाहर न्यायालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार जिला निर्वाचन पदाधिकारी स्व जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन के अध्यक्षता में नगर निगम दरभंगा के मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद एवं सभी 48 पार्षदों का शपथ ग्रहण कराया गया। शपथ ग्रहण कराने के पूर्व जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी नव निर्वाचित पार्षदों उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षदों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि आप लोगों के सहयोग से चुनाव शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी रहा। सर्वप्रथम सभी नव निर्वाचित पार्षदों को सबसे पहले शपथ दिलाई गई, इसके उपरांत उप मुख्य पार्षद एवं अंत में मुख्य पार्षद को शपथ दिलवाई गई। धन्यवाद ज्ञापन नगर आयुक्त द्वारा किया गया। इस अवसर पर नगर आयुक्त कुमार गौरव, उप विकास आयुक्त अमृषा बैंस, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक रास एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे। वृद्धा पेंशन रुका हुआ है उसको विकास करेंगे, कुछ कार्ड बचा हुआ है गरीब को उसको विकास करेंगे। नया चुनल गई भाषा में अपन शपथ ग्रहण किया। सबसे पहला काम क्या होगा आपका और किस तरह से काम करेंगे वार्ड में? जल जमाव सबसे पहला मुख्य कारण है, सड़क होगा, ये दो कारण सबसे पहले है और जल निकास है। तो सबसे फिलहाल अभी जो अपने वार्ड का स्थिति है उसमें जल निकासी का बहुत बड़ा दिक्कत है, तो उसमें और सड़क का दो चीज है। और दूसरा, आज तक हमारे वार्ड में कभी अंत्योदृष्टि का कहीं एक खाता नहीं खुला 30 वर्ष के दरमियान। आज सुबह में 7 बजे हमको एक मैसेज आया, हमारे ही वार्ड के थे, उनकी मदर मर गई, बहुत ही अत्यंत गरीब परिवार से थे। जब हमने वार्ड जमेदार को बुलाया और पूछे तो बोला सर आज तक कोई खाता ही नहीं खुला। क्या कहेंगे, किस तरह कार्य करेंगे अपने वार्ड में? देखिए, वार्ड नंबर 10 में पार्षद हूँ, इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं अपनी जनता को देता हूँ, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, जो ईमानदारी के साथ हमको आज पार्षद के रूप में यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में आए हैं, उसके लिए मैं अपनी जनता को तहे दिल से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जो चुनावी वादे थे, जो समस्या है वार्ड 13 की, देखिए ईमानदारी से उन्होंने हमको चुना है तो मैं भी अपनी ईमानदारी से पूरा पूरा प्रयास करूंगा कि मैं उनका भी सेवा मैं ईमानदारी पूर्वक करूं। इसका श्रेय किनको देंगे आप? आज शपथ ग्रहण लिए हैं, क्या कहेंगे, किस तरह कार्य करेंगे, आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, हम सबसे पहले वार्ड नंबर 30 और 31 की सभी जनता को तहे दिल से शुक्रिया, जो हमारे एक परिवार जैसा है। मैं उन सभी लोगों से, जितने भी लोगों ने मुझे विश्वास जताया, उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। और वार्ड नंबर 30 और 31 के सारे लोगों का, जितने भी लोग हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, नए पुराने 30 के थे और नए जो 31 में बने, उन लोगों का जो भी समस्या वार्ड का, गली का, नाला का, सड़क, पानी, नाला, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इन समस्याओं को खत्म करने का। और वार्ड नंबर 30 को 31 को जो विकास का काम जो बचा हुआ उसको भी हम लोग पूरा करें, खत्म करने का काम करें। और पूरे शहर में अंजू महाराज जी के नेतृत्व में हम लोग मिलकर शहर को एक विकसित शहर बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और सब छोटे मोटे सब पूरे 22 वार्ड के जितने भी मेरे समाज है, मेरे परिवार है, जिसका उनका जितना भी समस्या है ना, सब दूर करेंगे। सबसे बड़ी समस्या जल की है, तो जल की समस्या को दूर करेंगे। आज शपथ ग्रहण लिए, कैसा महसूस किए हैं आप अपने आप को? अच्छी महसूस किए हैं, जो मेरे 22 वार्ड के पूरे परिवार मिलके हमको नगर निगम बैठने का मौका दिए, उनको सेवा करने के लिए। इसका श्रेय किनको देंगे आप? अपना नाम बताइए। जल जमाव की भी समस्या कहीं कहीं देखी गई, और जल की समस्या गर्मी के दिनों में अधिकतर होती है। क्या कैबिनेट की जो बैठक होगी नगर निगम में, उसमें क्या आप ये मुद्दा को उठाएंगे कि जल्द से जल्द निदान मिले? जी जी जी, जरूर जरूर, जल्द जोरदार करें, निष्ठा पूर्वक काम करूंगी। जो शपथ ली हूँ उस पर मैं ध्यान देते हुए जनता के बीच जो काम रुका हुआ है मैं वो पूरा करूँगी। इसका श्रेय आप किनको देंगे? इसका श्रेय मैं पूरे जनता को देती हूँ, फिर से मुझे पार्षद के रूप में ऐसे चुने हैं, और उनके जो वादा मैं की हूँ, रुका हुआ काम जो है सो मैं पूरा करूँगी, सेवा भाव से पूरा करूंगी। वार्ड में यदि हम बात करें तो सबसे बड़ी समस्या क्या है आपकी नजर में? हमारे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या गरीब बच्चों की पढ़ाई को लेकर के है, जो कि हमारे वार्ड की मिडिल स्कूल को दूसरे वार्ड में ट्रांसफर करा दिया गया है, दूसरा साइड में। सबसे पहले मैं उस पे कार्य करूंगी।
आज हम शपथ ग्रहण समारोह था और हम जो है सो मैथिली में शपथ ले रहे हैं और दरभंगा नगर निगम में वार्ड नंबर 18 से मैं निर्वाचित हुआ हूँ और हम जो जनता से जो वादा करके जनता जिस विश्वास से हमको यहाँ तक पहुँचाया है उसको मैं 5 साल का मुझे जो अवधि मिला है उसमें देखिए इस बार जो दरभंगा शहर का जो बात कहिएगा 5 साल में विकास ही विकास होगा। इसलिए विकास होगा कि पहले मेयर और डिप्टी मेयर पैसा के बदौलत खरीदा जाता था और इस बार उसको जनता चुन के भेजा है। पार्षद तो काम करेगा ही, साथ साथ मेयर और डिप्टी मेयर का भी ये दायित्व रहेगा कि उसको दरभंगा शहर को विकासशील बनाना है और हम लोग जो धरातल स्तर से काम करते जा रहे हैं और डिप्टी मेयर को हम लोग जो मेयर को जो हम लोग बात कार्य को आगे बढ़ाएंगे तो उन लोग जो शपथ ग्रहण हुआ है बहुत ही खुशी का मौका है और ये कहेंगे कि जो भी शपथ लिए उसका निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। अपने वार्ड के प्रति जो हम मेरा समर्पण रहता है वार्ड के प्रति भी रहेगा और शहर में जो भी अच्छाइयाँ होने को रहेगा उस मुद्दे को हम हमेशा रखते आए हैं और उस मुद्दे को हमेशा रखेंगे और वार्ड के साथ साथ शहर को भी विकसित करें ऐसा मेरा ख्याल हमेशा रहेगा और आगे भी जाएगा। प्राथमिकता क्या पर रहेगी आपकी? मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि शहर में बहुत सारा जल जमाव है, शहर के लिए यदि चर्चा करेंगे तो पहला जल जमाव उठना चाहिए और अपने वार्ड को ले लेंगे तो वार्ड में मेरा ये रहा है कि ढक्कन का मैक्सिमम प्रॉब्लम है मेरे वार्ड में, नाला तो है ढक्कन नहीं है तो बस वो ढक्कन हमको डालना है। हल वो निकाल सकती है, बस बड़े बुजुर्गों की दुआ होनी चाहिए, आप लोग का साथ होना चाहिए। सभी लोग से मेरा आग्रह है कि आज मेरा पद ग्रहण हुआ है इसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। आज इंजॉय कीजिए। नहीं नहीं एक बात नाजिया से, नाजिया बहुत घूमी हो तू और एक ही सवाल हमने कहा था सॉफ्ट होता है, इन्होंने कहा कि महिला कमजोर नहीं होती, भ्रष्टाचार के खिलाफ दुर्गा का रूप लेगी दोनों महिला हटेगा पक्का पक्का, जनता का विश्वास कायम रहेगा। जनता ने चुना है किस लिए? अपने विकास के लिए, तो जाहिर सी बात है कि भ्रष्टाचार भी उसके साथ खत्म होगा, ये हम लोग का मेन संकल्प है, इरादा लेकर आए हैं। विकास तो एनी हाउ होगा, जब महिलाएं जा रही है नगर निगम के अंदर में जाहिर सी बात है विकास तो होना ही है। जब हम लोग बाहर में विकास कर पुरुष आगे बढ़ने नहीं कर सकते, अरे पुरुष आगे नहीं बढ़ने देता है ना। आप लोग का हुआ है क्या विकास करेंगे, किस तरह का काम बाकी रह गया आप लोग का? बहुत सारा काम बाकी है, जल का कमी है और नाला का ढक्कन नहीं है, साफ सुथरा करना है, बहुत सारा काम करना है। यह पार्षदों का अंतिम मौका था शपथ ग्रहण का, शपथ ग्रहण हो चुका है, अब विधिवत लोग पार्षद मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद हो गए हैं। इस अवसर पर मैं अपने सभी पार्षदों को नवनिर्वाचित पार्षदों को शुभकामना देता हूं और सलाह देता हूं कि भविष्य में मिले दूसरा काम किसके आप अपने वार्ड में क्या चीज पर ज्यादा फोकस देंगे? आप जनता पत्र है जो हम लोग अपलोड करते हैं उसके लिए जो भेद प्रपत्र दिया गया है उसी में वो लोग प्रपत्र लेंगे और इसमें से कुछ लोगों ने प्रेफर किया है शपथ लेने के दौरान मैथिली में और उर्दू में भी शपथ लेना उनके द्वारा। कितने पार्षदों को शपथ दिलाया गया है? अभी एक मुख्य पार्षद, एक उप मुख्य पार्षद और 48 वार्ड पार्षद के द्वारा शपथ लिया।